हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श क्रिएशंस। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक शिवलिंग बना सकते हैं। मैंने सोचा आज सावन का पहला दिन है, तो क्यों ना हम शिव जी से ही स्टार्ट करते हैं और एक शिवलिंग बनाकर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेंसिल से एक रेफरेंस लाइंस बना रहा हूँ, जिसके थ्रू हम शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग का आप सभी ने देखा होगा, तो उसके लिए मैं पहले एक रेफरेंस लाइन बना ले रहा हूँ जो एक ड्रेस के साइन की तरह वर्क करेगी। उसमें मैं एक वर्टिकल लाइन और ऐड कर रहा हूँ ऐसे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक रेफरेंस लाइन बनानी है। अब उसके थ्रू मैं शिवलिंग को शेप दूंगा। शिवलिंग को शेप देने के लिए पहले मैं एक ओवल बना रहा हूँ, जो शिवलिंग का अपर पार्ट होता है, उसके लिए मैं एक ओवल बना रहा हूँ, ठीक है। देन जो लोअर पार्ट होता है शिवलिंग का, उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस और बना रहा हूँ। देन जो उसका बेस होता है, उसके लिए मैं रेफरेंस लाइन्स बना रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमें एक बेसिक शेप इससे मिल जाता है, एक रेक्टेंगल, ओवल्स और ट्रेपेजॉइड्स से हमें एक बेसिक शिवलिंग का शेप मिल जाता है। अब इसको हमें डिटेलिंग करना है, तो इसकी डिटेलिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं कैसे शेप्स को कर्व में लेके जा रहा हूँ और फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ उसका, एक कर्व से। देखिए, इसमें मैंने ओवल के शेप को रेफरेंस रखते हुए इसे कन्वर्ट किया शिवलिंग का अपर पार्ट। देन जो लोअर पार्ट है शिवलिंग का, उसको मैं एक रेक्टेंगल से धीरे धीरे कर्व लेके उसको फॉर्म कर रहा हूँ। जो उसका बेस है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये सभी मैं बेसिक पेंसिल से कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसे कलरफुल करेंगे। देखिए मैं कैसे इसको एक कर्व से फॉर्म में ला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने एक बेसिक फॉर्म लिया, देन उसे मैं कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। देन शिवलिंग में हम जनरली देखते हैं कि एक स्नेक भी होता है। स्नेक आपको बनाने के लिए थोड़ा, जो बिगिनर्स हैं उनको हार्ड जा सकता है, तो उसे बनाने के लिए सिंपली हम अभी कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम हार्ड शेप बनाते हैं, तो मैं अभी शिवलिंग के ऊपर एक हार्ट का शेप बना ले रहा हूँ, जिसे हम एज अ रेफरेंस ऑफ स्नेक ले लेंगे। तो मैंने हाफ हार्ट बना लिया है शिवलिंग के ऊपर, और ऐसा मैं लाइट बना रहा हूँ क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, इसे हम नाक में मिटा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो एज ए नाक मैंने इसको ट्रीट किया है, एक मैंने हार्ट शेप बना लिया है हाफ, जो एज अ स्नेक एक्ट करेगा। स्नेक की टेल के लिए मैं शिवलिंग को रैप करते हुए दो लाइन्स बना रहा हूँ, जो कि एज अ स्नेक वर्क करेगी। ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे एक बेसिक मेरा शिवलिंग का शेप बनके रेडी हो चुका है। जो नाक है उसको शेप देने के लिए मैं ऊपर से धीरे धीरे से फॉर्म में ला रहा हूँ। जो हार्ट है उसी को मैं अंडरलाइन करते हुए नाक का शेप दे रहा हूँ। हार्ट को हमने एज अ रेफरेंस यूज़ किया था, तो उसी को मैं शेप देकर जा रहा हूँ टेल को। तो ये जो है, ये जो पार्ट है शिवलिंग का लोअर पार्ट, से धीरे धीरे मैं शेप दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी जो डिटेलिंग्स का पार्ट है, आप रेफरेंस लाइन्स मिटा सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपका एक शेप बन के रेडी है, आप रेफरेंस लाइन मिटा सकते हो। रेफरेंस लाइंस को इरेज करने के बाद हम इसे डार्क कर सकते हैं। उसके बाद जो डिटेलिंग्स है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे बिगिनर्स है तो सिंपली आप उसको सिंपल डिटेल्स दे सकते हो शेडिंग को, जैसे मैं दे रहा हूँ। आप सिंपल डिटेल्स भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आप चाहें, या आप किसी रहते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कैसे डिटेलिंग्स कर रहा हूँ, अब इसे और डिटेल करने के लिए आप जितना चाहें उतना डिटेल वर्क कर सकते हैं। ये आपके स्किल्स और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको शिवलिंग को कैसा लुक देना है। सिंपल भी आप कर सकते हैं, मुझे थोड़ा इसको डिटेल वर्क लुक देना था, इसलिए मैं थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ इसमें। थोड़ी डेप्थ दिखाने के लिए मैं अलग लेवल्स दे रहा हूँ उसको, ताकि थोड़ी डेप्थ दिख के आए, ठीक है। फ्लावर पेटल्स शेप भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं कि मेरा एक बेसिक जो शेप होता है वो बन के रहना है। मुझे स्नेक की आइज बनाना है, और इसका जो बैक होता है विजुअली, उसे हमें सिंपली शो करना है, क्योंकि बिकॉज हमारा हाईलाइट शिवलिंग है, तो मैं स्नेक को ज़्यादा डिटेल्स ना भी दी तो ये काम करेगा। तो हम देख सकते हैं कि मेरा एक बेसिक शिवलिंग का शेप रेडी है। अब मैं इसमें और डिटेलिंग जो होती है उसे करने के लिए, मैं एक ओम का शेप या त्रिकोण जिसे कहते हैं, थ्री लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। हम ओम बनाते हैं, या एज आपको जैसा प्रेफरेबल हो, आप ओम या त्रिकोण का शेप शिवलिंग पे बना सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा इसे 3D फॉर्मेट में देने के लिए डबल लाइंस से बना रहा हूँ।
मैं बेलपत्र बना रहा हूँ क्योंकि बेलपत्र शिवजी को पसंद होता है और बेलपत्र हमेशा शिवजी के ऊपर होता है, तो मैं बेलपत्र बना रहा हूँ। कुछ बेलपत्र मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ और प्लॉट भी आप बना सकते हैं, मैंने प्लॉट बनाया है। इसके अलावा आप इधर भी बना सकते हैं लास्ट बेलपत्र जो आप चाहें, कुछ फूल और बेलपत्र वहाँ पर बना सकते हैं। और शेविंग को फ्लावर गार्डन या माला जिसे हम कहते हैं वो भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा डूडल करते हुए एक गार्डन का शेप ऐसा बना रहा हूँ और ओवरऑल थोड़ा इसे डिवाइन कर देने के लिए मैं शेविंग को जो शाइन होती है उसकी वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे एज ए चक्र बना रहा हूँ। सेम मैं साइड भी करूँगा जिससे कम्प्लीट हो जाए। अभी मैं सब कुछ पेंसिल से कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे आउटलाइन करूँगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा इसका इफेक्ट। तो मेरा शिवलिंग बनके रेडी है, थोड़ी डेप देने के लिए हम इसे शेड करेंगे नीचे से ताकि ये अधूरा ना लगे ऐसे। तो लाइक दिस आप लोग देख सकते हैं हमारा शिवलिंग बनके रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।